आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं Realme 12 Plus 5G और भाई साहब इसकी डिजाइन आप देख सकते हो बहुत ही कमाल की है। पर दोस्तों क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आपको हिडन फीचर्स मिलते हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने स्मार्टफोन खरीदा या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो ना तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही चीज बोलोगे कि यार इस मोबाइल के पैसे वसूल हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहला हिडन फीचर बताता हूं, इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहां पर आपको देखिए वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसको मैं ऑन कर देता हूं, ठीक है। इसको हमने जैसे ऑन किया अब यहां पर देखिए आपको बहुत सारी क्लॉक्स मिल जाएगी, अलग अलग क्लॉक्स, या फिर पे अपनी फोटोज वगैरह लगाना चाहो तो अपनी फोटो भी लगा सकते हो, यहां पे कोई भी रंगोली वगैरह ड्रॉ करना चाहो वो भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहां पे कोई भी चीज यहां पे कर देता हूं, ठीक है, इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये अप्लाई हो चुका है। अब जब भी हमारी स्क्रीन ऑफ रहेगी तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का शो होगा जो कि आपके मोबाइल को ना काफी अच्छा बना देता है। और यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, देखिए ये वाला कर लीजिए या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये वाला कर लीजिए। तो यार दोस्तों यहाँ पे जो भी क्लॉक आपको पसंद आती है वो यहाँ पे कर लेना, और यहाँ से जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ पर आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो, ये फॉन्ट कर लीजिए या फिर ये फॉन्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे डाउनलोड के अंदर जाकर दोस्तों अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप अलग अलग फॉन्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, और इनको अगर बड़ा छोटा करना है, जैसे कि मुझे इसकी साइज को बड़ी करनी है छोटी करनी है तो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे आइकन्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जो आपके आइकन से देखिए अभी मैंने कुछ इस तरह से कर रखे हैं, आपके कुछ इस तरह के होंगे तो आप इनको ना चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला कर लीजिए ऐसे कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे देखिए अभी अंदर से इसको बड़ा छोटा करना है, देखिए अंदर से छोटा हो रहा है, देखिए अंदर से बड़ा हो रहा है, अंदर से छोटा हो रहा है, वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपके आइकन है इनको भी आप बड़ा छोटा करना चाहते हो, देखिए मैं छोटा कर दिया बड़ा कर दिया, जैसे भी आपको रखना है वैसे रख सकते हो। और यहाँ पे जो इनका नेम आपने देखा होगा, नेम नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए नेम भी शो करवा सकते हो, अगर आपके नेम शो हो रहा है तो नेम हाइड कर सकते हो। और यहाँ पे जो ऐप का नेम है इनको भी आप बड़ा छोटा करना चाहो, जैसे कि ये देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ छोटा कर देता हूँ, जैसे भी आपको रखना है वो यहाँ पे रख दीजिए और दोस्तों इसको यहाँ से अप्लाई कर लीजिए, फिर दोस्तों आपके सारे चेंज हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको कलर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है, ठीक है, आप देखोगे ब्लू कलर के अंदर है, तो आप चाहते हो यार मुझे ब्लू कलर के अंदर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ या फिर ये वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कुछ इस तरह के शो होने लग जाएंगे। और यहाँ पर नहीं, जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करते हो कैलकुलेटर वगैरह के अंदर, जहां भी देखोगे आपको रेड कलर ही शो होगा, तो आपका मतलब जो भी कलर फेवरेट हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे जैसे बैक जाएंगे यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे करता हूँ तो देखिए सभी गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं, पर आप चाहते हो मुझे ऐसे नहीं रखना, ये वाला करना है या फिर ऐसे करना है, देखिए ऊपर इनके जो शेप है वो चेंज हो चुके हैं। जैसे भी आपको रखना है इनमें से जो शेप आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही ऐसे बैक जाएंगे यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जब भी आप यहाँ पे फिंगर का लॉक खोलोगे तो आपको पता होगा यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का शो रहा है, तो आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला या फिर ये वाला कर लीजिए, बहुत ही कमाल का है। अब दोस्तों आप जब भी फिंगर से लॉक खोलोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का शो होगा जो कि आपके मोबाइल को ना काफी अच्छा बनाता है जब भी आपके मोबाइल को कोई देखता है। और जैसे यहाँ से बैक जाएंगे एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब दोस्तों आपके पास जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, आपकी स्क्रीन ऑफ रहती है तो आपके कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता होगा, तो आप ये वाला कर लीजिए या फिर ऐसी यहाँ पे लाइट शो करवानी है या फिर येलो कलर के अंदर आपको ये लाइट शो करवानी है, तो जब भी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस तरह की लाइट आपकी शो होने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यार आप चाहते हो कि मुझे ना एक साथ में दो अलग अलग एप्स को चलाना है, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे यूट्यूब पर वीडियोज देखनी है साथ साथ में किसी दूसरे पर चैटिंग भी करनी है, तो आपको ऐसे थ्री फिंगर से ऊपर लेके जाना है। और यहाँ पर जैसे कि मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए गैलरी भी चल रही है हमारी और हमारा यूट्यूब भी चल रहा है, दोनों को हम एक साथ में चला सकते हैं। जैसे कि मुझे यूट्यूब को थोड़ा बड़ा करना है तो इसे नीचे लेके आऊंगा तो मेरा यूट्यूब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पूरा YouTube को ओपन करना है तो ऐसे करके रखूंगा पूरा YouTube ओपन हो जाएगा। तो यार कुछ इस तरह से आप एक साथ में दो अलग अलग एप्स को भी चला सकते हो। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में इतना हो जाओगे कि लाइक करना भूल जाओगे। दोस्तों क्या आपको बताया, आप अपने Realme के मोबाइल के अंदर ही आपकी दिलों की धड़कनों को भी जान सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे जान सकते हैं, इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है, Realme लैब के ऊपर जाना है, यहाँ पे देखिए हार्ट रेट मेजरमेंट। अब जैसे हम यहाँ पे फिंगर रखेंगे हमारी जो मतलब दिल कितना धड़क रहा
रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे आपको इसके ऊपर 100% विश्वास नहीं करना है। जब भी आपके कोई इमरजेंसी हो तो आपको किसी डॉक्टर के पास ही दिखाना है, नहीं तो दोस्तों अपने मतलब दिल से हाथ धो बैठोगे। यहाँ पे टाइम पास के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है। तो ये देखिए अभी मेरे यहाँ पे कुछ इस तरह का है, 86 BPM यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप भी एक बार अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर टेस्ट करना। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यार आप चाहते हो कि यार मुझे ना यहाँ पे बैटरी के ऊपर परसेंटेज शो होने चाहिए, या फिर जो बैटरी का लोगो है ये मुझको चेंज करना है, फिर आप इंटरनेट की स्पीड वगैरह शो करवाना चाहते हो ऊपर की साइड में, या फिर दोस्तों आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर बता देता हूँ। जैसे कि आपके कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया रहता है, आप उसको क्लियर कर देते हो तो वो क्लियर हो जाता है, पर आपको बाद में याद आता है कि यार पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया, कोई जरूरी चीज थी जो मेरे से क्लियर हो चुकी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है। इसको देखने के लिए आपको सिर्फ एक सेटिंग को ऑन करना रहता है। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहां पर देखिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले स्टेटस बार के ऊपर जाना है, यहां पे देखिए टाइम शो हो रहा होगा, तो यहां पर देखिए टाइम के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, आप चाहते हो यहां पे ऊपर टाइम के साथ में सेकंड्स भी शो होनी चाहिए, तो देखिए ऊपर सेकंड्स भी शो होने लग जाएगी। और यहां पे बैटरी के स्टाइल के ऊपर जाकर बैटरी का स्टाइल चेंज कर सकते हो, अभी कुछ इस तरह का है, तो देखिए ये वाला कर लीजिए, लूप के अंदर कर लीजिए, देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा, या फिर डू नॉट शो, यहाँ पे बैटरी का लोगो शो ही नहीं होगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वो कर लेना, और जो बैटरी के परसेंटेज है वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो आपको बैटरी के परसेंटेज अंदर दिखाने हैं या फिर बाहर दिखाने हैं वो भी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। नीचे की साइड में देखोगे आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करने से दोस्तों आप जब भी इंटरनेट चलाओगे तो ऊपर की साइड में आपको इंटरनेट की स्पीड शो होने लग जाएगी कि कितनी MB/s हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है। जैसे ही यहाँ से ब्रेक जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मोर सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री के ऊपर जाना है, इसको ऑन कर देना है। अब इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ से क्लियर करूंगा तो देखिए जो भी हमने क्लियर किया है वो यहाँ पे मौजूद हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आप जो भी क्लियर करोगे वो पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यहाँ पे नीचे के बटन आपने देखा होगा शो नहीं हो रहे, एकदम आईफोन की फीलिंग आ रही है, अगर आपके बटन है तो आप मेरी तरह कर सकते हो, अगर मेरी तरह है तो बटन लाना चाहते हो तो कैसे ला सकते हो, उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाकर यहाँ पे बटन कर लीजिए। अभी देखिए नीचे बटन आ चुके हैं, अगर आप लेफ्ट हैंडी हो तो आप यहाँ पे बैक बटन जो है इसको लेफ्ट हैंड के अंदर भी लेके जा सकते हो, राइट हैंडी हो तो ये देखिए बैक बटन वगैरह राइट हैंड के अंदर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूं। जैसे कि आपसे आपका कोई दोस्त मोबाइल मांगता है कि भाई मुझे कॉल करनी है, पर आपको शक है कि यार ये कॉल का बोलकर कोई दूसरी चीजें ना छेड़ने लग जाए, कोई मेरी पर्सनल डाटा ना देख ले, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूं। जब भी वो कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई करेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर नीचे जाना है, मोर सिक्योरिटी के अंदर जाना है, सबसे नीचे जाओगे ए पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लेना। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, देखिए अगर आपके आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, लॉक नहीं लगा रखा तो ऐसे कोई भी आप लॉक भी लगा लेना। तो दोस्तों अब जैसे किसी ने कॉल के लिए मांगा है, अब आपको रेसेंट एप्स पे जाना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, इसको पिन कर देना है। अब ये पिन हो चुका है, इसको अगला वाला जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा, किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा बैक नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैक बटन और जो रेसेंट एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है। अब आपका जो ऐप है वो अनपिन हो चुका है, अब आप बाहर जा सकते हो। पर दोस्तों अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो जब तक आप लॉक को नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला अनपिन नहीं कर पाएगा, और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं, जैसे कि मैं यहां से ऐसे करूंगा, ये देखिए अब मैं मतलब जितने भी मेरे ऐप्स थे वो सारे के सारे यहां पे आ चुके हैं, क्योंकि मेरा हाथ वहां पे पहुंच नहीं रहा है इतनी दूर, ये देखिए हाथ जा नहीं रहा है। तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, जैसे कि मुझे वीडियो ओपन करना है, सेटिंग ओपन करनी है, तो जैसे इसके ऊपर करूंगा मेरी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो अगर आपके मोबाइल में ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमें स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के ऊपर जाना है। जैसे मोर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए आइकन पुल, यहाँ पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर लीजिए, फिर आप भी इसका फायदा उठा पाओगे। दोस्तों आपको पता होगा इस मोबाइल के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है, और दोस्तों इसके अंदर ना मैं काफी सारी ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे ना आप जब भी वीडियोज वगैरह देखोगे काफी HD क्वालिटी के अंदर देख सकते हो, या फिर आपको लगता है कि यार हमारे मोबाइल की बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रही है तो आपको मतलब बैटरी बचानी कैसे है वो भी कुछ सेटिंग्स बताता हूं। उसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहां पे देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पे आपको डार्क मोड ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं इसके ऊपर करके दिखाता हूं, देखिए पूरा मोबाइल ब्लैक हो जाएगा और काफी अच्छा भी लगता है, जहां भी जाओगे पूरा मोबाइल ब्लैक ही शो होगा। तो दोस्तों इसको मतलब आप जब भी नाइट में मोबाइल को यूज करो तो इसको ऑन कर लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि यार नाइट में मैं डार्क मोड करूंगा, दिन में लाइट मोड करूंगा, इतना कहां टाइम है मेरे पास। तो यहां पे दोस्तों शेड्यूल के
ऊपर जाना है। अब इसको ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों दिन होते ही ऑटोमेटिक लाइट मोड हो जाएगा और नाइट होते ही ऑटोमेटिक डार्क मोड हो जाएगा। और अभी के लिए मैं इसको लाइट मोड करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। पर दोस्तों यहां पे डार्क मोड का एक अच्छा फायदा यह भी है कि इससे आपकी आंखें भी खराब कम होती है और दोस्तों इससे भी बैटरी भी काफी ज्यादा बचती है। जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पे स्क्रीन कलर मोड, यहाँ पे आपको अलग अलग स्क्रीन के कलर्स मिल जाएंगे। जैसे कि नेचुरल कर लो, यहाँ पे देखिए प्रो मोड्स, बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे। जो भी आपकी आंखों के लिए सही है वो कलर यहाँ पे अप्लाई कर लेना। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे आई कंफर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों जब भी आप मोबाइल में चैटिंग करो ना तो आई कंफर्ट को जरूर ऑन कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। या फिर दोस्तों आप जब भी बुक्स वगैरह पढ़ते हो मोबाइल के अंदर तो भी इसको जरूर ऑन कर लेना, इससे आपकी आंखें ना दोस्तों खराब नहीं होंगी। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पे आपको फोन का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। डिस्प्ले साइज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप डिस्प्ले की जो साइज को लार्ज करना चाहते हो, स्मॉल करना चाहते हो या स्टैंडर्ड यानी कि मीडियम रखना चाहते हो, वो अपनी मर्जी से यहाँ पे रख लीजिए। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पे देखिए वीडियो कलर बूस्ट, दोस्तों ये बहुत ही कमाल का फीचर है। जब भी आप वीडियोस वगैरह देखो ना इसको जरूर ऑन कर लेना। इससे क्या होगा आपके जो कलर है काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे। और दोस्तों कौन कौन से ऐप के अंदर आपको दिखाना है वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह के अंदर। तो दोस्तों इसका नुकसान ये है कि इससे बैटरी ड्रेन थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आपको बैटरी बचानी है तो इसको बंद कर लीजिए, अगर बैटरी की कोई परवाह नहीं है ना तो भाई साहब इसको ऑन कर लीजिए जब भी आप वीडियोज वगैरह देखो। जैसे ऐसे बैक जाएंगे यहाँ पे ब्राइट एचडीआर मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों इससे क्या होगा, जब भी आप धूप वगैरह के अंदर जाओगे तो आपकी जो डिस्प्ले है काफी ज्यादा ब्राइट निकल कर आएगी। पर दोस्तों इसका भी नुकसान यह है कि इससे बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है। तो अगर आप अंदर ज्यादा काम पड़ता है, मतलब धूप वगैरह के अंदर कम जाते हो, तो इसको बंद कर लीजिए, इससे आपकी बैटरी काफी ज्यादा बचेगी। जैसे नीचे जाएंगे स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने 120 कर रखा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इससे ना आपकी जो यहाँ पे डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ चलती है। पर दोस्तों इसका नुकसान ये है कि इससे बैटरी ड्रेन थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर आपको बैटरी बचानी है तो 60Hz पे रखिए, अगर बैटरी की कोई परवाह नहीं है तो 120Hz पे रखिए। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हो या फिर गेमिंग वगैरह खेलते हो तो 120Hz पे कर लीजिए, फिर दोस्तों वापस से यहाँ पे 60Hz पे कर लीजिए। इससे क्या होगा आपकी बैटरी भी काफी ज्यादा बचेगी और दोस्तों आप अच्छा खासा गेमिंग वगैरह भी कर सकोगे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि यार मुझे एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग एप्स को चलाना है, जैसे कि दो फोन पे चलाने हैं वो भी अलग अलग नंबर से, दो व्हाट्सएप दो फेसबुक, तो भाई साहब आसानी से चला सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे देखिए एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, एप क्लोनर के ऊपर जाना है। अब जैसे कि मुझे फोन पे को करना है तो देखिए मैंने फोन पे को दो कर रखा है, अमेजोन को करना है तो अमेजोन को कर लीजिए, फेसबुक को करना है तो यहाँ पे ऐसे क्रिएट करना है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपके दो फेसबुक हो जाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक फेसबुक ये रहा और एक फेसबुक ये रहा। इनको आप दोनों को ना अलग अलग आईडी से भी चला सकते हो और दो फोन पे भी कर रखे मैंने। देखिए एक फोन पे रहा एक फोन पे रहा, जो भी आपको पसंद है, मतलब दो अलग अलग आप नंबर वगैरह से, दो अलग अलग अकाउंट से इनको चलाना चाहोगे आसानी से चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे ना फोटोज वीडियोज वगैरह छिपाने हैं, किसी ऐप के लॉक लगाना है या फिर किसी ऐप को हाइड करना है तो कैसे कर सकते हो। आपको ना यहाँ पे कोई भी प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर ही सब कुछ सिस्टम मिल जाता है। इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर देखिए आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो तो पहले इसको यहाँ से ऑन कर लीजिए, सेटिंग्स के अंदर जाकर यहाँ पे कोई भी लॉक लगा लेना जो आपको सही लगे और फिर दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी ऐप के लॉक लगा सकते हो। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी ऐप को छिपाना चाहते हो तो छिपा सकते हो और दोस्तों जो ऐप आपने छिपाया उसको देखने के लिए अपने डायलर के अंदर है 4x0 लिखकर उसको देख भी सकते हो। या फिर आप इन नंबर को चेंज करना चाहते हो, यानी कि आप अपने पर्सनल नंबर ऐसा रखना चाहो जो कि आप डायल करो और आपने जो ऐप छिपाया उनको देखना चाहो तो सेटिंग के अंदर जाकर आप उनको चेंज भी कर सकते हो। जैसे ऐसे बैक जाएंगे यहाँ पे प्राइवेट सेव का भी ऑप्शन मिल जाएगा, सेट पासवर्ड लगाकर दोस्तों यहाँ पे कोई भी अपने फोटोज वीडियोज वगैरह छिपाना चाहोगे आसानी से छिपा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं पावर बटन और वॉल्यूम डाउन से यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। पर दोस्तों आप थ्री फिंगर से ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपको एक ही फोटो के अंदर एक लंबी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप एक फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। या फिर दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे ऐसे प्रेस करके रखना है, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ऐसे प्रेस करके रखना है और यहाँ पर आपको मतलब जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है, जिस भी शेप के अंदर लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसे डबल टैप करूं मोबाइल ऑफ हो जाना चाहिए और डबल टैप करते मोबाइल ऑन हो जाना चाहिए, या फिर दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे मोबाइल को उठाएंगे
कि हमारा मोबाइल ऑन वगैरह हो जाता है तो हमारे मोबाइल के अंदर ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए डबल टैप के लोग इसको ऑन कर दीजिए और यहाँ पे रेस्ट, वेक और डबल टैप इनको ऑन कर दीजिए तीनों को। फिर देखिए डबल टैप करूंगा स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करते स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और दोस्तों जैसे मेरा मोबाइल पड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया, अब जैसे मैं इसे मोबाइल को उठाऊंगा हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों आप इसको जरूर ऑन कर लीजिए, इससे आपके मोबाइल ना मतलब ऑन या ऑफ करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस मोबाइल के और भी बहुत ही मजेदार फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे जाना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो असिस्टिव बोल के अंदर जाना है, इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक बोल देखने को मिल जाएगी, जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा यहाँ पे बैक चला जाएगा, इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखूंगा ये देखिए 100 मोड के अंदर आ जाएगा, या फिर मैं डबल प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको ना पूरा चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए टेप का है तो आप इसके ऊपर जाकर जैसे कि रिसेंट एप्स करना है या फिर नोटिफिकेशन ड्रॉअर, जैसे इसके ऊपर प्रेस करूंगा नोटिफिकेशन ड्रॉअर आ जाएगा, तो उसको पूरा चेंज कर लीजिए। फिर दोस्तों क्या होगा, आपका मोबाइल का चलाने का तरीका काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और डबल टैप मैंने स्क्रीनशॉट कर रखा है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसको प्रेस करके रखते हैं तो 100 मोड आता है, तो आप यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन कर दीजिए, मैं जैसे इसको प्रेस करके रखूंगा होम स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, इसको कितना दिखाना है, कम ज्यादा दिखाना है वो भी यहाँ पे कर सकते हो। और हाइड इन फुल स्क्रीन, आप सोच रहे होंगे यार मैं इसको यहाँ पे रख तो लूंगा पर जब भी मूवीज वगैरह देखूंगा तो यार ये बीच में डिस्टर्ब होगा, तो दोस्तों जब भी आपकी फुल स्क्रीन होगी तो ये ऑटोमेटिकली हाइड भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आप जरूर ट्राई कर लेना। जैसे ऐसे बैक जाएंगे यहां पर आपको गेस्चर एंड मोशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स का ऑप्शन है। अब यहां पर दोस्तों मैं दिखाता हूं, ये देखिए एग्जांपल के लिए मैं जैसे इसके ऊपर ओ ड्रॉ करूंगा मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा। यहां पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप वी ड्रॉ करोगे तो आपकी जो टॉर्च है वो ओपन हो जाएगी। म्यूजिक वगैरह को कंट्रोल करना चाहो तो म्यूजिक वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ऐसे करोगे आपका नेक्स्ट म्यूजिक वगैरह आ जाएगा। जैसे ऐसे बैक जाएंगे यहां पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल। दोस्तों इसको ऑन करने से क्या होगा, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो दोस्तों आप जैसे कान के पास में मोबाइल को लेकर जाओगे आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो स्विच टू रिसीवर, दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप जैसे कान से हटाओगे आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट भी जाएगी, आपको अलग से कॉल कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों सबसे नीचे देखिए फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, यानी कि आपके पास कोई भी कॉल आ रही है, आप ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे हो तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं सिर्फ म्यूट हो जाएगी। और दोस्तों यहां से हम जैसे बैक जाएंगे यहां पर आपको 100 मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैंने ऑन कर रखा है, जैसे कि आपको मतलब यहां पे ये देखिए मेरा अंगूठा वहां पे जा नहीं रहा है तो मुझे क्या करना है, इसे नीचे करूंगा ये देखिए 100 मोड के अंदर आ जाएगा, यानी कि मैं इसको आसानी से चला सकता हूं। देखिए यहाँ पे पूरा कंट्रोल हमारे एक हाथ के अंदर ही आ जाएगा, इसको पूरा बड़ा करना है यहाँ से पूरा बड़ा भी कर सकते हो। तो ये आपने ऑफ कर रखा है तो इसको ऑन कर लीजिए, ये भी ना कभी कभी बहुत जरूरी काम में आ जाता है। जैसे ऐसे बैक जाते हैं यहाँ पर आपको पावर बटन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपको मोबाइल को बंद करना है या फिर रिस्टार्ट करना है तो इसको जैसे प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है। अब आप चाहते हो कि मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों को साथ में प्रेस करोगे तब बंद का ऑप्शन आना चाहिए, तो आप चाहते हो मुझे पुराने तरीके की तरह चाहिए तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर प्रेस कीजिए, पावर मेन्यू को कर दीजिए। अब मैं देखिए इसको प्रेस करके रखूंगा हमारे बंद या रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों यहां से हम जैसे ही बैक जाएंगे यहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह के, ओटीजी कनेक्शन का, यानी कि जब भी आप पेन ड्राइव वगैरह लगाओ तो ओटीजी कनेक्शन को जरूर ऑन कर लेना, तभी आपके मोबाइल के अंदर पेन ड्राइव वगैरह सपोर्ट करेगी। या फिर अपने मोबाइल को माउस वगैरह से कंट्रोल करना चाहो तो यहाँ पे माउस लगाकर ओटीजी को ऑन कर देना, फिर दोस्तों आप इसका फायदा उठा पाओगे। और यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट, यानी कि आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट करना चाहते हो तो रीसेट फोन के ऊपर जाकर आप इसको हार्ड रीसेट भी कर सकते हो, यानी कि आपका जो डाटा वगैरह है पूरा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मैं ऐसे करूँ ना तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार आ जाना चाहिए, मतलब यहाँ से करते हैं तब नोटिफिकेशन बार आता है, पर दोस्तों आप जैसे यहाँ से करोगे तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। इसके लिए मैं क्या करना होगा, स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के ऊपर जाना है, मोर के ऊपर जाने के बाद देखिए स्वाइप डाउन के ऊपर जाकर नोटिफिकेशन ड्रॉअर कर दीजिए। अब जैसे कि मैं यहाँ से करूँगा देखिए नोटिफिकेशन ड्रॉअर आ जाएगा, यहाँ से करूँगा जहाँ से भी करूँगा नोटिफिकेशन ड्रॉअर आ जाएगा, मुझे इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे ना यहाँ पे पता होना चाहिए कि पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करता हूँ, क्या क्या यूज करता हूँ, कौन कौन से एप्स को यूज करता हूँ, तो आपके पास पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है। इसको देखने के लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है, देखिए डिजिटल वेलबींग एंड पर्सनल कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने 56 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है, 35 बार इसका लॉक खोला है, 8 मेरे पास नोटिफिकेशन आए हैं, और जैसे यहाँ पे अनलॉक के ऊपर
क्लिक करूंगा तो हमने कौन कौन से ऐप को कितनी बार खोला है, जैसे कि सेटिंग को 32 बार, कैमरा को, फोन को, कौन कौन से ऐप को खोला है, वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और एक दिन के नहीं, पूरे एक महीने की भी आप यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो। जैसे ऐसे देख जाएंगे नोटिफिकेशन, यानी कि कौन कौन से ऐप्स के अंदर आपको कितने नोटिफिकेशन आए हैं, वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने कौन कौन से ऐप्स ज्यादा यूज किए हैं, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। और दोस्तों एक दिन के नहीं, पूरे एक महीने की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आप अपना कीमती समय कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। तो यार दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपको ऐसे हिडन फीचर और भी चाहिए इस मोबाइल के तो आप कॉमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट टू भी आपके लिए बना दूंगा। और दोस्तों यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और यार आपने वीडियो को पूरा देखा है पर पता नहीं यार चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।